पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो वो पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों। आज गुजरात के रहने वाले डॉक्टर गणेश बड़ैया ने इस लाइन को सही साबित कर दिया है। गणेश ने अपनी कम लंबाई को अपनी सफलता में बाधा नहीं बनने दिया। अपना मुकाम हासिल करने में आई परेशानियों से पार पाते हुए उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल कर अपने सपने को पूरा कर दिखाया। कुछ साल पहले उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कम लंबाई के कारण MBBS करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि 3 फीट लंबे डॉक्टर बड़ैया अपने दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटे। वो कहते हैं 1 अगस्त 2019 को मैंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और इस तरह मेरी MBBS यात्रा शुरू हुई। मैंने हाल ही में अपना कोर्स पूरा किया और MBBS की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कहा, मैं अब भावनगर के सटी जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। भावनगर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मेहता ने कहा कि ये उनके लिए बेहद खुशी की बात है कि बड़ैया ने अपना कोर्स पूरा कर लिया है और इंटर्नशिप कर रहे हैं। वह हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेते थे। डॉक्टर मेहता ने कहा, वह कभी कभी हमें अपनी समस्याएं बताते थे और हम उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करते थे। उनके दोस्तों, सहपाठियों और बैचमेट्स ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की होगी क्योंकि वे हर समय उनके साथ रहते थे। मेहता ने कहा, शिक्षकों ने भी उनकी मदद की क्योंकि कक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत उन्हें ही थी।